अलकुम क्लास आई होप कि आप सब ने कल वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया होगा और उसमें से एम सी क्यूज़ भी अच्छे से आप लोग ने याद कर लिए होंगे सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी मोप योर बुक्स पेज नंबर एटी फाइव टॉपिक है स्पेशल पीपल मैंने कल आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्शन करवाया था कि स्पेशल पीपल क्या होते हैं वो लोग जिन्होंने कंट्री के लिए कुछ स्पेसिफिक काम किए होते हैं वो उन्हें हम लोग स्पेशल पीपल कहते हैं यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है स्पेशल पीपल देर आर मैनी स्पेशल पीपल ऑफ़ पाकिस्तान पाकिस्तान में बहुत से स्पेशल पीपल हैं देर गुड फॉर पाकिस्तान जिन्होंने क्या किया है पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छे काम किए हैं वाइल हुई कैनोट कवर ऑल ऑफ दैम हम उन सब के बारे में तो यहाँ कवर नहीं कर सकते हेर इज़ लिस्ट ऑफ अ फ्यू ऑफ द स्पेशल पीपल तो जो उनमें से चंद एक स्पेशल पीपल हैं उनकी एक लिस्ट है यहाँ पे हु हैव कंट्रीब्यूटेड कंट्रीब्यूटेड होता है किसी काम में हिस्सा डालना टू मेक पाकिस्तान ब्यूटीफुल एंड रिच जिन लोगों ने पाकिस्तान को ब्यूटीफुल और रिच बनाने में कंट्रीब्यूट किया है इनमें सबसे पहले है हफीज जलंधरी हफीज जलंधरी रोड द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान क्या किया था हफीज़ जलंधरी ने उन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा था सेकेंड वन है अमीरुद्दीन के दुआई क्या किया था अमीरुद्दीन के दुआई ने डिज़ाइन द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान इन्होंने पाकिस्तान का झंडा बनाया था उसको डिज़ाइन किया था थर्ड वानी नेक्स्ट थर्ड वाना है हबीब जालिब हबीब जालिब वॉज अ फेमस पोइट क्या थे वो फेमस पोइट थे हुरोड दी पोइम उन्होंने कौन सी नज़म लिखी मैं नहीं मानता वो नज़म किस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रही थी पॉइंटिंग आउट दी कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनी पावरफुल लीडर्स ये जो उन्होंने पॉइम लिखी थी यह उस टाइम पर जो लीडर्स थे जो बहुत पावरफुल थे जो कंट्री के लिए कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे थे ये उनकी तरफ निशानदही करती थी नेक्स्ट है सैद सदीक़ अहमद नकवी सैद सदी अहमद नकवी वॉज अ फेमस पेंटर क्या थे ये पेंटर थे हु हुज़ वेरी हु वेरी गुड एट पेंटिंग जो कि पेंटिंग बहुत अच्छी करते थे एंड कैलीग्राफी कैलीग्राफी क्या होता है कैलीग्राफी इज़ राइटिंग समथिंग ब्यूटीफुली विद पैटर्नस आप लोगों ने अक्सर पेंटिंग्स देखी होंगी जिस पे अल्लाह ताला के नाम या गुल शरीफ वगैरह लिखे होते हैं उनको बहुत प्यारी सी राइटिंग में बहुत अच्छे अंदाज़ में लिखा गया होता है उसे हम क्या कहते हैं कैलीग्राफ़ी आगे नेक्स्ट है नूरजहां नूरजहां और मलका तरन्नम नूरजहां को और क्या कहते हैं मलकाय तरन्नुम उनका दूसरा नाम है वाज अ फेमस सिंगर ऑफ़ पाकिस्तान पाकिस्तान की एक फ़ेमस सिंगर थी शी वॉज गिवन मैनी अवार्ड्स ऑन हर कंट्रीब्यूशनस क्या क्या गया उन कंट्रीब्यूशन की थी उस पर उनको बहुत से अवार्ड से नवाजा गया शी सॉन्ग मैनी पेट्रियाटिक सॉन्ग्स क्या क्या उन्हें पैट्रियाटिक सॉन्ग्स कौन से होते हैं पेट्रियाटिक सॉन्ग्स होते हैं मिली नगमे ऐसे नगमे जिन में जिन जिन में वतन से मोहब्बत का इजहार किया जाए विच हाई दी सेक्रीफाइजिज़ज़ज़ज़ जो मिली नगमे उन्होंने गाए वो किस चीज़ को हाईलाइट कर रहे थे द सेक्रीफाइजिज ऑफ आवर आर्मी जो कुरबानियाँ हमारी आर्मी ने दी मेड इन अमॉन्ग दी नाइनटीन सिक्सटी फाइव एंड नाइनटीन सेवेंटी वन वार्स उन्नीस सौ पैंसठ और उन्नीस सौ इकहत्तर की जंग में जो हमारी आर्मी ने कुरबानियाँ दी उसको हाईलाइट कर रहे थे वो नगमे जो नूरजहाँ ने गए नेक्स्ट है नुसरत फतेह अली हाँ वाज अ फेमस कवाली सिंगर ऑफ पाकिस्तान नुसरत फतेह अली हाँ कौन थे कवाली सिंगर थे कवाल थे जो कवालियाँ गाते थे नेक्स्ट है डॉक्टर अब्दुल सलाम डॉक्टर अब्दुल सलाम वाज अ फेमस फिजिसिस्ट फिजिसिस्ट है ये लफ्ज़ है फिजिसिस्ट ही वॉज वॉन दोबल पीस प्राइज़ इन नाइनटीन सिक्सटी नाइन उनको जो है नोबल पीस ऑफ प्राइज़ से नवाजा गया कब नाइनटीन सिक्सटी नाइन में ही इज़ दी ओनली पाकिस्तानी टू हैव वहाँ ए नोबल प्राइज़ इन फिज़िक्स क्या था कि वो पहले पाकिस्तानी थे जिनको नोबल प्राइज़ मिला किसमें फ़िज़िक्स में नेक्स्ट है फैज़ अहमद फैज़ फैज़ अहमद फैज़ लाइक हबीब जालिब जैसे कि हबीब जालिब के ऊपर आपने पढ़ा जो कि एक फ़ेमस पोइट थे उन्हीं की तरह फैज़ अहमद फैज वज़ आल्सो ए फेमस पोइट क्या था फैज़ अहमद फैज़ भी एक मशहूर शायर थे ही हैज़ बीन नामिनेटेड फ़ोर टाइम्स फ़ॉर दी नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर क्या हुआ कि उनको चार दफ़ा नॉमिनेट किया गया किसके लिए प्राइज़ नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर लिटरेचर में नोबल प्राइज़ के लिए उनको चार दफ़ा नामिनेट किया गया नेक्स्ट है पठाने हान पठाने अ फेमस फोक सिंगर फोक सिंगर क्या होता है अ फोक सिंगर सिंगर इज हु सिंग्स ट्रेडिशनल सॉन्ग्स जो रिवायती गाने रिवाईती गाने जो लोग गाते हैं उन्हें क्या कहते हैं फोक सिंगर्स कल्चर चेंज विध टाइम क्या होता है कि कल्चर जो होता है वो वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है एक जैसा नहीं रहता हमेशा कल्चर चेंज विद टाइम अवेयरनेस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस क्या होती है किसी चीज़ के बारे में आगाही टेक्नोलॉजी कल्चर जो है वो चेंज होता है टाइम के साथ अवेयरनेस के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ इन चाइना चाइना में इन देंथ सेंचुरी दसवीं सदी में स्मॉल फीट वर कंसीडर्ड ब्यूटीफुल। क्या था कि वहाँ चाइना में जिन लोगों के छुपाओं छोटे होते थे उनको खूबसूरत माना जाता था एज अ रिजल्ट मैनी वुमेन प्रैक्टिस फूड बाइंडिंग टू चेंज द शेप ऑफ़ देयर फीट क्या किया उन्होंने फूड बाइंडिंग यानी पाँव उनको बांध देते थे टू चेंज द शेप ऑफ़ देयर फीट ताकि उनके जो पाँव हैं उनकी शेप चेंज हो जाए दिस प्रैक्टिस कंटिन्यूड टिल दि टिल लेट ट्वेंटी सेंचुरी इन पार्ट्स ऑफ चाइना क्या था कि फिर यही जो चीज़ थी ये चलती आई कब तक बीसवीं सदी तक चाइना के मुख्त जो पार्ट्स थे वहाँ पर इस चीज़ को कंसिडर किया जाता था, था कि जो छोटे पाँव वाले लोग होते हैं वो खूबसूरत होते हैं दिस प्रैक्टिस वॉज अ पार्ट ऑफ़ देर कल्चर क्या हुआ कि ये प्रैक्टिस बहुत अर्से तक चलती रही तो फिर यह उनके कल्चर का हिस्सा बन गई विद अवेयरनेस एंड न्यू नॉलेज क्या हुआ आगाही और नए नॉलेज के साथ विमेन रियलाइज़ क्या हुआ कि औरतों को महसूस हुआ दैट दिस प्रैक्टिस इज़ नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ क्या हुआ कि उन लोगों को पता चला उन लोगों को आगाही हुई कि ये जो चीज़ है ये जो लोग प्रैक्टिस करते हैं पाँव बाँध कर ये अच्छी नहीं है उनकी हेल्थ के लिए एंड दिस प्रैक्टिसिंग इट क्या हुआ कि फिर उन लोगों ने इस चीज़ को बंद कर दिया टेक्नोलॉजी आल्सो चेंज कल्चर जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी कल्चर को चेंज करती है बिकॉज इट चेंज द बिहेवियर ऑफ़ पीपल क्योंकि ये लोगों के रवैयों को बदलती है अदर कल्चर्स आल्सो इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस होता है किसी चीज़ से मुतासर होना किसी चीज़ का असर लेना योर कल्चर क्या है जो अदर कल्चर्स हैं जो दूसरे कल्चर हैं वो भी आपके कल्चर को मुतासर करते हैं कैन यू थिंक अवेज इन विच दी कल्चर ऑफ़ पाकिस्तान हैज़ चेंज विद टाइम ये उन्होंने आपसे क्वेश्चन किया है कि क्या आप लोग कोई ऐसे चीज़ें सोच सकते हैं या बता सकते हैं जो पाकिस्तानी कल्चर में जो टाइम के साथ चेंज हो चुकी हैं